नमस्कार, आप सभी का तर्क ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशांक कुमार और आईएएस शिवाजी भोसले का आज 10वां संस्करण का पहला दिन है और पहला राउंड हो भी चुका है और अभी लंच हो रहा है, तो हम आइए प्रतिभागियों से उनके अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा, आपका तर्क ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम सिया। सिया, आप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से? एलएसआर। एलएसआर से है, तो आपका ये जो हमारा 10th एडिशन है शिवाजी भोसले की, जो लेगेसी है, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या आपने आपने और लोगों से जानने का प्रयास किया, ये जो हमारी लेगेसी है, हम लोग 10 वर्ष से यहाँ नवरत्न चला रहा है, ये 10वां एडिशन है, तो और इसमें आपको और क्या क्या इनपुट देने और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं? मेरे को लगता है शिवाजी भोसले एक बहुत आइडियल डिबेट है। सब कॉलेजेस शिवाजी कॉलेज की इस डिबेट को फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी लेगेसी है इसकी, तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट के तो ऐसा कुछ नहीं। ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी थी, बाकी आपने सब वो टाइपिंग एक्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से किया था, तो आई थिंक बहुत आइडियल डिबेट है और बहुत अच्छी डिबेट है और कोई इम्प्रूवमेंट की ऐसे नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका बात करने। आइए हम लोग और अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो नमस्कार, आपका डिक्टम यहाँ तर्क ज्ञान चैनल में डिक्टम आपका स्वागत करता है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों ने जो शिवाजी 10वें संस्करण का ये आयोजन हो रहा है, इसमें आपको अलग क्या देखने को मिला? पहली बात तो 54 टीमों को साथ में लेके आना और उनको संचालित करना, क्योंकि जब 54 टीमें साथ में आती तो सर्किट में अराजकता की स्थिति आ जाती है, पर उनको साथ में रखना, उनको संचालित करना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर टॉपिक्स तो मतलब शिवाजी के हमेशा से ही अच्छे रहे, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। फिर उसके बाद एक जो वो भव्यता का एक महसूस होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो शिवाजी हर साल करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहता है, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो खाना हो, या फिर चाहे वो कुछ भी हो, तो एक जो भव्यता की का एहसास है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक शिवाजी की पीढ़ी को अलग बनाता है। अच्छा, आप अपने अनुभव साझा कीजिए। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप अभी तक बहुत सारे डिबेट कर चुके होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में जा चुके होंगे, तो ये बताइए कि डिक्टम जो ये शिवाजी भोसले प्रतियोगिता आयोजन करवाती है, वो सारे कॉलेज से क्या अलग है और क्या इसको और विशिष्ट बनाती है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार आने के बाद मैं इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी शिवाजी इतना अच्छा पीडी भी करा सकती है और करा रही है, जो कि अदर कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत ही अच्छा संयोजन रहा है और हम इसमें दोबारा आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप किस कॉलेज से हैं भैया? भैया अभी रामानुजन कॉलेज से ही है। ये पूरा जो टेबल है या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रामानुजन कॉलेज की बैठी हुई है फिलहाल जी। ये हमारी तरफ से ये रामानुजन कॉलेज 1 के जो है ये स्पीकर्स हैं, वक्ता बैठे हैं, ये रामानुजन 2 और ये प्रशिक्षु अधीन निर्णायक है। अच्छा, तो हम लोगों ने एक इस बार टोट बैग देने का प्रावधान किया था, वो ये पहल आपको कैसा लगा? जी, ये पहल मेरे बहुत अच्छा लगा। असल मेरे पिताजी हैं पुरोहित, तो मैं उनको जाके ये टोट बैग अब पकड़ाने वाला हूँ, वो अपनी वीरतिम बढ़िया जाके इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे बहुत उचित लगा, टोट बैग बढ़िया लगा। धन्यवाद। चलिए, आपसे भी बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, आपका नाम? अमन मिश्रा। अमन मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से यहाँ के जो टॉपिक्स की विशिष्टता होती है या यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कैसे अलग है और इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, अगर कुछ इनपुट देना चाहेंगे? अब अगर मैं बात करना चाहूँ सुधार की, तो उससे पहले बात करूंगा कि कैसा महसूस हुआ यहाँ पर आकर। आपने बात शुरू की टॉपिक से, टॉपिक एक विशेषता रहती है किसी भी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की, और शिवाजी महाविद्यालय में इसकी जो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता है, और इसमें मैं दूसरी बार प्रतिभाग कर रहा हूँ, और ये कहने की बात नहीं है कि इसके जो टॉपिक है ये उच्च स्तर के होते हैं, जो कि एक अनुकरणीय स्तर पर रहते हैं, एक एग्जाम्पलरी रहते हैं सभी सर्किट में, आप जिस भी तरह के टॉपिक बनाए, क्योंकि आप संतुलित टॉपिक बना रहे हैं, नवीन तरह के टॉपिक बना रहे हैं, डिबेट पे डिबेट मैंने पहली बार देखी और वो शिवाजी में देखी, तो इससे बहुत ही खुशी हुई। और क्या कुछ सुधार की क्या भी आवश्यकता है, आप कुछ इनपुट दे सकते हैं जिससे हम अपने मैनेजमेंट में या किसी और संसाधन उपयोग उपलब्ध करवाने में क्या आप कुछ सुधार कर सकते हैं? जैसे क्या है कि
जैसा अभी मेरे साथी ने ही बताया कि 54 टीमें अपने आप में लाकर उनको एक साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उनमें कुछ इधर उधर चीजें हो जाती हैं, हालांकि यदि 54 टीमों का खाना आप एक साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लें तो ये आपकी सफलता में चार चांद लगाने का काम करेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।